नमस्ते दोस्तों, गियर्स टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है तो दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि हमें उसे रैम या हार्ड डिस्क के बारे में पता होता है कि हमारी रैम 4GB है, 5GB है, 6GB है, हार्ड डिस्क 500GB है या 1TB है। लेकिन दोस्तों आपको उसके प्रोसेसर कौन सा है या उसका काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, मैं कौन सी रैम है आपकी, DDR1 है, 2 है, 3 है, इसके बारे में आपको नहीं पता होता, तो आप इसकी इंफॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने सारे कंप्यूटर की या सारे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक कर पाते हैं? दोस्तों ये वीडियो उसी के बारे में है, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये कैसे चेक कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक गूगल में सर्च करना होगा स्पाइसी, SPE, ये आप स्पेलिंग देख लीजिए। ये देखिए आपको गूगल में ये टाइप करना होगा और करना होगा एंटर। यहाँ पे देखिए ये इनकी जो साइट है ये आ गई है इसी नीचे, लेकिन मैं फाइल हिपो से डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे करना होगा क्लिक। दोस्तों फाइल हिपो काफ़ी अच्छी साइट है, आपको हर एक सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाता है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक करना होगा हमें। ये देखिए दोस्तों डाउनलोड होना शुरू हो गया है, मुझे यहाँ पे कीप पे क्लिक करना है और ये देखिए नीचे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर नीचे डाउनलोड हो चुका है, तो मैं अब इसे कर लेता हूँ ओपन। ये देखिए ये सॉफ्टवेयर है, मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, यहाँ पे नो थैंक्स पे क्लिक कर दीजिए, अदर सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों ये इंस्टॉल हो गया और अपने सिस्टम को चेक करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे दोस्तों मैं रन कर देता हूँ इसे, ये देखिए दोस्तों आप यहाँ पे आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये स्कैन कर रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा पूरे के पूरे सिस्टम को स्कैन करने में। ये देखिए दोस्तों स्कैन करके इन्होंने बता दिया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर, ये देखिए विंडोज़ के बारे में बता दिया है, विंडोज 8 प्रो है इसमें, CPU के बारे में बता दिया है, रैम के बारे में 6GB रैम है, DDR3 रैम है दोस्तों, 665 MHz है, ये सोनी मदरबोर्ड सोनी बायो लैपटॉप है, ये ग्राफिक कार्ड के बारे में बता दिया है और स्टोरेज के बारे में बता दिया है, हाइटैची की ये एक हार्ड ड्राइव है। अगर आपको इसकी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे जा सकते हैं। ये देखिए इन्होंने सीरियल नंबर बता दिया है इसका, आप अच्छी तरह चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप इसकी CPU के बारे में चेक कर सकते हैं, ये देखिए इन्होंने CPU के कोर्स के बारे में बता दिया है, कितने कोर्स है इसमें, कौन सा CPU है, 2 कोर्स है, इंटेल का i3 प्रोसेसर है इसमें 2370M, और आप रैम के बारे में चेक कर सकते हैं, रैम DDR3 है, 6GB रैम है, 9 क्लॉक्स हैं इसमें, और मदरबोर्ड के बारे में ये देखिए मदरबोर्ड के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ग्राफिक्स कार्ड के बारे में मिल जाएगी, स्टोरेज के बारे में मिल जाएगी, ऑप्टिकल ड्राइव के बारे में मिल जाएगी, ऑडियो के बारे में, नेटवर्क के बारे में। दोस्तों आपको A to Z आपके कंप्यूटर की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, आपका जितना भी डाटा था, वो सारा का सारा आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाएगा। आपके वाईफाई के बारे में, रिमोट डेस्कटॉप के बारे में, आपको A to Z सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट देना मत भूलिएगा।